पापा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे। वो सुबह उठ के आलू पराठे की जगह वो इडली सांभर खा रहे थे। ऑनेस्टली बाय द एंड ऑफ इट मम्मा एक नॉर्थ इंडियन की तरह झगड़ने लगी। दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी और फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जाह्नवी ने बहुत ही कम समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की। दिग्गज दिवंगत एक्ट्रेस और अपनी मां श्रीदेवी की तरह जाह्नवी कपूर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में दमदार पहचान बना रही हैं। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने जूनियर NTR स्टारर देवरा से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान जाह्नवी ने अपनी मां श्रीदेवी और पापा बोनी कपूर के रिलेशनशिप के बारे में बात की है। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पर जाह्नवी कपूर ने अपने पेरेंट्स यानी श्रीदेवी और बोनी कपूर के कल्चरल डिफरेंस पर बात की थी। दरअसल कपिल शर्मा ने जाह्नवी का इंट्रोडक्शन करते समय बताया था कि उनकी माँ यानी दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी साउथ से हैं और पापा बोनी कपूर नॉर्थ के हैं। इसके बाद कपिल शर्मा ने जाह्नवी से सवाल किया था कि उनमें माँ पापा में से किसकी ज़्यादा क्वालिटी आई है। कपिल शर्मा के सवाल पर जाह्नवी ने कहा था कि मैं सच बताऊँ तो जब इस दुनिया में आई थी तो फैमिली के अंदर ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस ठीक से समझ नहीं पाई क्योंकि पापा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके थे। वह सुबह उठकर आलू पराठा की जगह इडली सांभर खा रहे थे। उनकी आवाज़ में भी हल्का साउथ इंडियन एक्सेंट आ गया था। जाह्नवी कपूर ने आगे बताया कि आखिरी में मम्मी एक नॉर्थ इंडियन की तरह झगड़ने लगी थी। वह पापा के साथ जो बहस करती थी वह एक पक्का नॉर्थ इंडियन तरह से करती थी। कपिल शर्मा शो में जूनियर NTR से उनकी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया। जवाब में जूनियर NTR श्रीदेवी का नाम लेते हैं, जिस पर सैफ अली खान बीच में रोककर कहते हैं कि बस साउथ की फेवरेट एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी का नाम लेने वाले थे। NTR और सैफ की बातों पर कपिल कहते हैं कि इससे साबित होता है कि साउथ और नॉर्थ में कोई अंतर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रीदेवी और बोनी कपूर को करीब लाने का काम फिल्म मिस्टर इंडिया ने किया था। कहा जाता है कि जब बोनी कपूर मिस्टर इंडिया का ऑफर लेकर श्रीदेवी के पास गए थे तभी उन्होंने अपने दिल की बात बता दी थी। फिल्म में साथ काम करने के दौरान ही दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी और फिर श्रीदेवी बोनी कपूर ने 2 जून 1996 को मंदिर में शादी कर ली थी। श्रीदेवी और बोनी की 2 बेटियां हैं, जाह्नवी और खुशी कपूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे मे वुल्फ को। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।